नमस्कार दोस्तों, हक इनक्रेज सॉफ्टटेक की कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर विदाउट नेम, यानी कि बिना किसी नाम के फोल्डर को किस तरह से बना सकते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हैं, फोल्डर का कुछ ना कुछ नाम आपको देना ही होगा, बिना नाम के फोल्डर नहीं बन सकता, बट बिना नाम के फोल्डर बन सकता है और ये ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, न्यू फोल्डर बनाना काफी आसान है। न्यू फोल्डर बनाने के लिए देखिए, न्यू पर जाते हैं, राइट क्लिक करके और फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा भी फोल्डर एक क्रिएट हो गया। अगर हम इसको बिना किसी नाम का बनाना चाहें, यानी कि जो इसका नाम है उसको हम देखिए डिलीट कर दिया जो भी इसका कंटेंट था, और एंटर करते हैं तब भी न्यू फोल्डर ही लिखा आ रहा है। तो हम नहीं कर सकते न्यू फोल्डर का नेम चेंज, बट अभी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। इसको ब्लैंक कर दिया, ब्लैंक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके हम गए इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर में, ठीक है, और यहाँ पर ZWJ यानी कि जो थर्ड नंबर पर है उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर बिना किसी नाम का है और आपके लिए रेडी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी ट्रिक थी आपके लिए जिससे आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर सकते हैं और बैट भी लगा सकते हैं, बट बशर्ते उसने ये वीडियो पहले से ना देखा हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस ट्रिक को शेयर पर क्लिक करके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक हिट कीजिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और नई ट्रिक जाननी हो या कुछ भी जानना हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एज पर पॉसिबिलिटीज़ जैसा भी टाइम होगा हम आपको वो ट्रिक ज़रूर बताएंगे। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, थैंक्स फॉर वॉचिंग।